एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अक्सर इस बारे में हम डॉक्टर से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से या फिर दोस्त से किसी से भी डिस्कस करने में शर्माते हैं, और शर्म हमें आनी भी चाहिए क्योंकि बात ही ऐसी है ना कि शर्म आनी चाहिए। तो देखिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। फैमिली मेम्बर से तो नहीं, पर आप अपने डॉक्टर से मत शर्माइए, उनसे सारा कुछ पूछिए, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे और बेहतर सलाह देंगे। तो जहाँ से आपका फायदा हो वहाँ पे शर्माना नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको पूछ लेना चाहिए। अदरवाइज आपको बाद में उस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो आप फिर सोचते रह जाएंगे कि काश मैं उस दिन वो बात उनसे पूछ लेता। तो यही होता है। तो चलिए, कितनी अजीब बात है ना कि इस बारे में बात हम खुलकर नहीं कर पाते हैं, हमें शर्म आती है या फिर बोलेंगे आनी भी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो बेशरम, नहीं करते हैं तो हमें नॉलेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है। हालांकि हमें अपने जो बॉडी है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। ये सारी बेसिक नॉलेज जो होती है इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी वजह से ही हमें कभी कभी प्रॉब्लम उठानी पड़ जाती है। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान आप रिलेशन बनाए कि नहीं, इससे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं कि अगर मैं रिलेशन बनाती हूँ तो मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए, मिसकैरेज ना हो जाए। ये सारे डर होते हैं मन में, जिसकी वजह से नौ दस महीने, मतलब वैसे ही 9 महीने की तो प्रेगनेंसी होती है और उसके बाद 2-3 महीने तो वैसे ही प्रिकॉशंस लेनी होती है। तो हमें होता है कि चलो इतने टाइम तक हम पार्टनर से दूर रहेंगे या फिर हम रिलेशन नहीं बना सकते हैं, तो ये सबके मन में ही होता है। क्या ऐसा भी होता है? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप लोग रिलेशन नहीं बना सकते हैं, आपको दूरी बना के रखनी है, वो हिंट कर देते हैं। अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, सारे आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि आपका यूट्रस बाइकोनट है या फिर नॉर्मल यूट्रस है, ये नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी होती है वो चाहे बाइकोनट यूट्रस हो, सेप्टेट यूट्रस हो या फिर नॉर्मल यूट्रस हो, तो आप इस चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मेरा बाइकोनट यूट्रस है इसलिए मेरे बच्चे को नुकसान होगा और मैं रिलेशन नहीं बना सकता। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब आपके बच्चा नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, वो सेफ रहता है। आप सोचते होंगे कि बच्चे को धक्का लगेगा तो उसको चोट हो जाएगी या फिर कुछ भी, तो देखिए, बच्चा जो पेट में होता है वो पानी में होता है, तो उसको चोट लगने के तो चांसेज ही नहीं है। बच्चा अंदर पेट के अंदर पानी में सर्वाइव करता है, तो वहाँ पे उसको झटके, हल्के फुल्के झटकों की वजह से कोई चोट नहीं लगती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप क्या पोजीशन ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ जाए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशन बनाने में या फिर कुछ भी। तो आप ऐसा कुछ आपके मन में डाउट है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बना सकते हैं और 7-8 मंथ तक कुछ दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद होता क्या है कि टमी का बच्चा बड़ा होता है तो हमारा जो टमी होता है वो भी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेशन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हो सकता है जो मदर है यानी कि जो लेडी है प्रेग्नेंट, जैसे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी मतलब रिलेशन बनाने में, थोड़ा सा आप उतने समय आपको इतना ज़्यादा टमी होता है कि वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए 7-8 मंथ तक फिर
हो सकता आपको मतलब डॉक्टर भी बोल दे कि हाँ, अगर आप पूछे उनसे तो जनरली वो ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करते हैं। मैं तो 9 मंथ्स तक डॉक्टर के पास गई तो वहाँ उन्होंने इस टॉपिक में तो बात ही नहीं करी कि आपको अब रिलेशन बनाना स्टॉप कर देना है या फिर आप रिलेशन बनाते हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी वो वहाँ पे ना बात करेंगे ना कुछ भी ऐसा सजेस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 8th 9th मंथ में भी अगर कभी कुछ किया तो उसकी वजह से भी बच्चे को कुछ वैसा दिक्कत नहीं होता है। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप रेगुलर रूटीन चेकअप अगर करवा रहे हैं, जैसे कि मेरा हर 15 दिन या महीने में शेड्यूल होता था डॉक्टर के पास जाने का, तो वो रूटीन चेकअप होता है आपका, तो कुछ प्रॉब्लम आने से पहले ही पता चल जाता है डॉक्टर को कि हाँ यार ये दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे आपको मेडिकल उसका इलाज मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कि डॉक्टर से रेगुलर रहिए। ऐसा नहीं कि जब मेरी डिलीवरी का टाइम आएगा तभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी या फिर जब वैक्सीन लगवानी है तभी आप जा रहे हैं तो उसी में आपका मिसकैरेज या फिर कुछ प्रॉब्लम होनी होती है तो आपको पता नहीं चल पाता है, आपको पहले से अलर्ट नहीं मिल पाता है कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए बायकोनाट यूट्रस हो या नॉर्मल यूट्रस हो, जो आपके रेगुलर चेकअप हैं वो आप करवाते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी डिलीवरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आजकल मेडिकल फैसिलिटी हर जगह है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाना, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर जगह होते हैं, सरकारी अस्पताल में दिखा सकते हैं अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स होते ही हैं, तो अगर वहाँ पे है ये फैसिलिटी तो आप कहीं भी वहाँ दिखवा लीजिए। तो इसी तरह से आप अपना ध्यान रखिए सारी चीज़ों का, और आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि बायकोनाइट यूट्रस या फिर नॉर्मल यूट्रस हो तो रिलेशन बनाने में बच्चे को कोई नुकसान होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और तो उम्मीद है आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव और ऐसी वीडियोस जिनके विषय में हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, आप यहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे मैं अपने रेगुलर ब्लॉग्स और जो मेरा डेली रूटीन होता है मेरे बच्चे के साथ में, मेरी फैमिली के साथ में, वो भी अपलोड करती हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए आप सब अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।